हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा पबजी मोबाइल की टॉप 5 टिप्स और ट्रिक्स, जिसे आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी रैंक पुश कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें वीडियो को। और अगली वीडियो में मैं क्या किस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ उसको कमेंट करके बताएं। और गाइस, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आएगी गाइस। तो ट्रिक को और ट्रिक्स को वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करें। लेट्स गो। टिप नंबर 1, गाइस आपने ये बिल्डिंग तो देखी होगी मिलिट्री बेस एरिया में, सी बिल्डिंग, जिसकी मैंने वीडियो एक पहले ही बनाई थी। और अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो तो मैं आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में अगर इस बिल्डिंग में अगर सेकंड फ्लोर पर बंदा कोई पीक लेकर बैठा है तो टीपी भी लेकर बैठा, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्डिंग के बाहर आइए और इन स्टेयर्स पर चढ़ जाइए और पीक लेके पीक का बटन दबाएं और फिर अपने कर्सर को धीरे धीरे राइट साइड में उड़ाएं और ऐसे आ जाए, बूम, ऐसे आप किल कर सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं, देखो आर पार दिख रहा है, बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, किल नहीं हो पाता बंदा। तो अगर आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप किल भी कर सकते हैं उस बंदे को, पता नहीं चलेगा कि आपने किल कहाँ से करा है उसको। ये आप चेक कर सकते हैं कि वो बंदा यहीं बैठा है या नहीं बैठा, ये वो। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो गाइस, इस ट्रिक को अपने दोस्तों के इस्तेमाल करें, अपने एनिमीज के साथ इस्तेमाल करें, उन्हें सरप्राइज करें। और गाइस, तो गाइस चलते हैं अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 2, गाइस आपको ये मिलिट्री बेस के एरिया में ये आपको टावर सा पता होगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं इस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर उनको कोई स्नाइपर गन मिल जाती है तो उस टावर पर चढ़ के स्नाइपिंग करते हैं, कैंपिंग कर लेते हैं, अपना रात समझते हो। गाइस, इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिस पर आप टावर पर चढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं, वो आपको टावर के ऊपर ढूंढने का, लेकिन आप टावर पर ऐसी जगह दुबके होंगे कि आपको उन एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा, वो आपको ढूंढते रहेंगे। तो गाइस, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको टावर के ऊपर आना है। मैं सबसे टॉप पर आ चुका हूँ, तो टॉप से आप थोड़ा नीचे आएँ, जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, और आप ऐसे जंप करें ग्रिल पर और ग्रिल से फिर धीरे धीरे अपने कर्सर को आगे ले जाएं और टेढ़ा करके फिर एकदम लेफ्ट साइड कर दे। देखिए, बूम, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। गाइस, आके ऐसे कर करके मैं अगले उस पर जंप भी कर सकता हूँ, ऐसे करके देखो मैं ऐसे जंप कर रहा हूँ, ऐसे कर क्लिक हो गया था, सॉरी गलती से। तो गाइस देखिए, सामने जैसे बंदा जा रहा है, वो जोरा एनिमीज देखिए वो सामने आ रहा है, उसको मैं ऐसे करके किल करूँगा, वो समझ रहा होगा मैं पता नहीं कहाँ से मार रहा हूँ चिकन डिनर। तो गाइस, इस ट्रिक को इस्तेमाल करें दोस्तों के साथ, उन्हें सरप्राइज करें कि भाई मैं, वो सोचेंगे यार तू कहाँ से आया, यार तू कहाँ से आया, वो थोड़ी देर तो यही सोचेंगे। और इसमें से आपको उतरना तो कुछ नहीं, आसानी से करके जंप कर सकते हैं, अगले उस पर जा सकते हैं आप, मैं नीचे एरिया लाइक ठोको यार और अगली ट्रिप की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। टिप नंबर 3, गाइस इस ट्रिक में मैं ये ट्रिक ही नहीं कह सकते, तो टिप है आपके लिए। तो गाइस, मैं जायरोस्कोप की मैं आपको सेंसिटिविटी दिखा दूँ, कि मैंने जायरोस्कोप ऑन कर दिया ऑलवेज पे और मैं इसको सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। और यही सेंसिटिविटी मैंने नॉर्मली मॉडल की भी देखी है और सोल वाइपर की भी देखी है, सोल अमन की भी देखी है, काफ़ी लोगों की देखी है गाइस मैंने सेंसिटिविटी। तो गाइस, इस सेंसिटिविटी मेरे को सबसे बढ़िया सेंसिटिविटी देखा, आपको रिकॉल कंट्रोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसे जायरोस्कोप ऑन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जायरोस्कोप कर रखा है ऑन। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैंने जायरोस्कोप कर ऑन कर रखा है, तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा। देखिए, मैं सेंसिटिविटी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्मल रिकॉइल देखिए, देखो कितना रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है जायरोस्कोप से। आप एक बार जायरोस्कोप ट्राई करके देखें, सेंसिटिविटी या वीडियो ले सकते हैं कि सेंसिटिविटी कितनी कर रखी है मैंने। गाइस, अगर आपको आप सोच रहे होंगे डीपी का तो वैसे ही रिकॉल कम है, तो मैं डीपी की जगह भी M249 इस्तेमाल कर देखता हूँ कि M249 इस्तेमाल कर देता हूँ, M249 कैसी है, चलते हैं M249 को लेने। और ये M249 हमने उठा ली, थोड़ी गोली ले लेते हैं, सो गोली उठा ली, रिलोड मारते हैं अभी। अरे बर्की नहीं दी शाम की सही खोली, अरे एक तो पिंग इतना हाई आता है ना कभी कभी, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलते हैं रिलोड कर लें, अभी आपको रिकॉइल दिखाऊंगा इसका M249 का। देखिए, जैसे अभी देख सकते हैं मैं जायरोस्कोप में खेल रहा हूँ इस टाइम, देखिए कितना रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है यार, बहुत से इसमें ऐसा लगता है जैसे भाई हैक कर रखा हो, इतना रिकॉइल कंट्रोल कर रखा है हमने बीच में। अरे ये थोड़ा ऊपर हो गया था, मेरे हाथ से फोन स्लिप हो गया था। तो गाइस, अगर आपको सेंसिटिविटी ला लगे तो आप सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप, मैं ये कहूँगा कि जायरोस्कोप पर ट्राई करें। टिप नंबर 4, गाइस ये एक टिप तो नहीं कह सकते लेकिन ट्रिक है। इसमें क्या होता है, आप TDM में आते हैं तो आप जस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले सब कुछ अपना ड्रॉप कर दें, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं सब कुछ ड्रॉप कर दिया है और मैं दूसरी गन लेने जा रहा हूँ, और ये दूसरी गन की भी एमओ वगैरह मैंने सब ड्रॉप कर दिया, ताकि मैच स्टार्ट होने के बाद मेरे को डबल एमओ जो है वो और ज़्यादा हो जाए। देखिए, मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, जितनी मैंने एमओ सब ड्रॉप करी थी दोबारा उठा रहा हूँ। फिर ऐसा क्या होता है, अगर हम नॉर्मल एमओ उठाते हैं ना तो फिर उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो गायब हो जाती है। और आपको ये टिप अच्छी लगे तो लाइक ठोको यार। टिप नंबर 5, कैसे टिप भी TDM की है और इसमें आपको कुछ नहीं करना, TDM के बीच में अवेयर हाउस था छोटा सा, इस पर आपको इस पर चढ़ना है और उसके ऊपर से यहाँ आ जाना है और यहाँ इस बाउंड्री पर आ जाना है। यहाँ इस बाउंड्री पर आने के बाद देख लीजिए बाहर की तरफ, और मैं बंदर को क्लियर कर देता हूँ। और इसकी आप दूसरी साइड पर कर सकते हैं, दूसरी साइड पर जो जा सकते हैं, मैं इस पर चढ़ाऊँ और इस पर आ जाओ और यहाँ आके फिर बाउंड्री पर जंप कर सकते हो और बाहर जो बंदा है या अंदर कोई ट्रिक
उसको किल कर सकते हो। ये ट्रिक मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक है, क्योंकि यहाँ से बंदों को बहुत कम बंदों को बताते हैं कि ये बंदा कहाँ धुका हुआ है, क्योंकि स्क्वाड होती है पूरी, आपस में स्क्वाड होती है, तो पता नहीं चलता कि किसने कहाँ से मारा है। TDM तो वैसे ही लोगों को पता है, और TDM में सबसे फेवरेट ट्रिक है। और गाइस अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के शेयर करो। Oh, 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 oh